उज्जैन जिले के बड़नगर के रेलवे पुल हनुमान मंदिर पर होने वाली आरती में नीलगाय और स्वान शामिल होते हैं। इन जानवरों पर भी भक्ति का रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है। उज्जैन के बड़नगर रेलवे पुल के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर सुबह शाम आरती की जाती है और इस पूजा अर्चना में श्रद्धालुओं को तो शामिल होता हुआ देखा जा सकता है, पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी भक्त बन जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा इस मंदिर में होने वाली आरती के दौरान दिखाई देता है। यहाँ नील गाय, सीमा और स्वान भी मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होते हैं और पूरे समय खड़े रहकर भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गुरुजी बताइए, क्या नाम है आपका? मांगूदास। गुरुजी, ये जो मंदिर है कहाँ पर है और क्या नाम से जाना जाता है यह मंदिर? बालजती हनुमान है। करीब कितना पुराना मंदिर है, क्या है ये? हो गया इनको 14 साल। अच्छा, मूर्ति बिठाए के 14 साल हो गए, स्थापना करने 8 साल हो गए। किस प्रकार से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, क्या रहता है वगैरह? सब होती है, भजन कीर्तन सब होते हैं। 5-10 भगत भी रहते हैं मेरे पास, आरती वगैरह, भजन कीर्तन, रामायण, सुंदरकांड सभी होते हैं। सब होते हैं। गुरु जी, यहाँ पर जो ये हिरण है, जो हनुमान जी की पूजा भक्त है, क्या नाम है इस हिरण का और क्या रहता है? नाम है सीमा। सीमा। गुरु जी, हिरण और जो कुत्ते हैं वो तो साथ कभी रह ही नहीं पाते, क्योंकि हिरण का शिकार कर लिया जाता है कुत्तों के द्वारा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसा है कि छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ये शामिल में रहते हैं। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बच्चे शामिल में रहते हैं तो होशियार रहते हैं, ये फिर पकड़ते तकड़ते नहीं है। अच्छा, आरती वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो सारे कुत्ते आपके यहाँ के और हिरण वगैरह सारे सब साथ में रहते हैं पूजा पाठ के समय? वो साथ में रहते हैं? सब साथ में रहते हैं। अच्छा, इनमें लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं? कुछ नहीं होता है, कोई लड़ाई के झगड़ा के बोलना के चालना कुछ नहीं। अच्छा, सब ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं और रहते हैं? बस वो जितना मैं बोलता हूँ, आवाज़ देता हूँ तो आते हैं, जाते हैं, बैठ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।